यहाँ इस मुद्दे की जड़ ये है कि मर्द करे तो सब ठीक, लेकिन महिला करे तो पाप। दोषी कोई भी हो रानत, लेकिन शक और सवालों की सुई हमेशा औरत पर उठती है। क्यों? कंडोम बाबा का ढाबा। जी हाँ, सही सुना है आपने। वैसे आपने काके का ढाबा, लक्की का ढाबा, चिंटू का ढाबा ये सब तो सुना ही होगा ना, लेकिन कंडोम बाबा का ढाबा शायद हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का पहला ऐसा ढाबा होगा। तो चलिए मिलते हैं इस ढाबे के मालिक से, यानी कि कंडोम बाबा से। कंडोम बाबा, सबसे पहले हम आपसे आपके ढाबे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमें अपने ढाबे के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं हूँ कंडोम बाबा, ये है मेरा यानी कंडोम बाबा का ढाबा। ये मैंने नई होटल खोली है हाईवे पर, ताकि प्रतापपुर वासी और हाईवे पर सफर करने वाले दोनों को इससे फायदा हो। जी, लेकिन कंडोम बाबा, आपके इस ढाबे में नई बात क्या है? ये तो लोग ही बताएंगे। आइए भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? जी माधव। माधव, तो माधव आप हमें ये बताइए कि आपको इस ढाबे का खाना कैसा लगता है? एकदम फर्स्ट क्लास मैडम, मन और पेट दोनों भर गया। और इस ढाबे की तो खास बात एक और है कि यहाँ पर उल्टा खाने वाले को टिप दिया जाता है। अब खाने वाले को टिप दिया जाता है, वो कैसे? वो क्या है ना मैडम कि 100 रुपए के बिल पे 2 महंगे वाले कंडोम बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं, यानी कि दुविधा का भी समाधान और भोजन भी भरपेट। दुविधा का समाधान मैं कुछ समझी नहीं, किस दुविधा की बात कर रहे हैं आप? क्या है मैडम ना कि हम दवा की दुकान तक तो चले जाते हैं कंडोम खरीदने, लेकिन यदि वहां से पहले से कोई ग्राहक खड़ा होता है तो थोड़ा शर्म आती है कंडोम खरीदने में, इसलिए वहां से लेमन चूस की गोली लेके हम सीधे घर चले आते हैं, और फिर बिना कंडोम के ही। जबकि मैडम ये हम जानते हैं कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। माधव, एक सवाल पूछूं तुमसे? अब बिल्कुल पूछे ना। जब कहा नहीं जाता तो करा कैसे जाता है? डिपोर्ट में खेत के लिए कीटनाशक की मांग छाती ठोक के करते हो, फिर कंडोम मांगने में शर्म क्यों? जी वो कंडोम से अनचाहा गर्भ नहीं होता, और ये HIV जैसे बीमारी को फैलने से रोकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि डबल सुरक्षा और डबल प्रोटेक्शन। जी बिल्कुल सही, आइए हम आपको दूसरे से मिलाते हैं। जी जरूर। भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? जी हमीद। हमीद, तो हमीद आप हमें बताइए कि आपको इस ढाबे की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? खाने का तो जवाब नहीं, महंगा भी नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे वाला कमरा वो बेस्ट है। पर्दे के पीछे वाला कमरा ये क्या है? वहाँ तस्वीरें टंगी हैं जो ये बताती हैं कि कंडोम पहनने का सही तरीका क्या है, वरना जब डॉक्टर अपने अंगूठे में चढ़ाकर बताते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मैं भी हो गया था। क्या बात है हमें, इतना खुलकर तुमने बता दिया। कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, कुछ लोग नादानी में इसके बारे में गलत फहमियां पाल लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कंडोम बाबा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपने यहाँ पर कंडोम के कुछ मेन्यू रखे हुए हैं जिसमें अलग अलग टाइप के कंडोम्स हैं। जी हाँ, जिसको जैसा चाहे वो उसका नंबर लिख के देता है, कागज के पैकेट में हम उसे डाल के दे देते हैं। जी, और हमने सुना है कि आपके ढाबे में एक परिवार कक्ष यानी कि फैमिली सेक्शन भी है। जी बिल्कुल सही सुना है, हम आपको उनसे भी मिला लेते हैं। जी आई, आई। नमस्कार। नमस्कार। आइए। अब कंडोम बाबा जी, ये है मेरी जोरू साहिबा और मैं संदीप। क्या बात है, पहले अपनी बीवी का नाम लिया फिर अपना। जी हाँ, इसे कहते हैं स्नेह समझदारी का और रिश्ता बराबरी का। जी बिल्कुल, शुक्रिया मैडम। संदीप, आप हमें ये बताइए कि आपका इस ढाबे पे कैसे आना हुआ? देखिए, हमारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए हम अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मनाने यहाँ आए हैं। तीसरी सालगिरह नई नई शादी की? वाकई आप दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हैं।
बाबा जी हम अमीर तो नहीं हैं, पर फिर भी मजे में गुजर रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सालगिरह मनाने के लिए आपने ये ढाबा ही क्यों चुना? ये तो मेरे पति बताएंगे। जी मैडम क्या है, हमारी अब तक कोई औलाद नहीं है। मगर घर वाले इसके बारे में कुछ कहते नहीं है? कहते थे, पर फिर मैंने उन्हें समझा दिया कि ये हमारा आपस का फैसला है, और वैसे भी अपनी मर्दानगी का सबूत मैं अपनी बीवी को दूंगा ना, दुनिया वालों को नहीं। अच्छा तो हमने तय कर लिया है कि जब तक इनका फर्नीचर का नया बिजनेस सेट नहीं हो जाता तब तक हम बच्चा नहीं करेंगे, यही कोई 1-1.5 साल तक, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मतलब बाबा जी पहले तो हमने आपस में सुलह की और उसके बाद ये फैसला किया कि आर्थिक स्तर से जब तक हम बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक हम कॉन्डम का इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए आज हम यहाँ आपके ढाबे पर आए हैं। वाह क्या बात है, तो ये आप दोनों का फैसला था? बिल्कुल मैडम, हम तो घर के छोटे छोटे खर्चों पर भी खुल के चर्चा कर लेते हैं, कहाँ कितना खर्चा करना है, कहाँ कितना बचाना है वगैरह वगैरह, और फिर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, इसके ऊपर खुल के चर्चा क्यों ना हो। और अंत में बाबा जी हम तो बस इतना कहेंगे, जय हो कॉन्डम बाबा की। जय हो, जय हो। बहुत खूब, काश हर दंपत्ति की सोच आपके जैसी होती। और कॉन्डम बाबा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने ढाबे के बारे में इतनी सारी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो कॉन्डम, जय सुखी परिवार। तो ये था कॉन्डम बाबा का ढाबा। अगर आप भी चटपटा खाना खाना चाहते हैं और साथ में ज्ञान और फ्री के कॉन्डम्स चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टॉप यही है। वैसे ये सिर्फ ढाबा नहीं है बल्कि स्वास्थ्य को लेकर हो रही क्रांति का एक छोटा सा नमूना भी है। कैमरामैन दिगंबर के साथ मैं पूनम बी चैनल से, और चलिए मैं भी अब इस ढाबे के खाने का स्वाद चख ही लेती हूँ। भाइयों और बहनों, किसकी का किसकी? हाँ हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक मिनट। अब का हुआ बाबा जी? ये ठुड्डी को थोड़ा ऊपर कीजिए बहना, इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, और जरा पल के नीचे इसे कहते हैं दया का नगमा। ऐसा लगना चाहिए कि एक शक्तिशाली नारी विनम्रता से पेश आ रही हो। चल के दिखाओ। अरे रे 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 बहना क्या हुआ? बाबा जी टोटी ऊपर पलक नीचे, अरे दिखेगा का खा। विनम्रता की देवी तो नहीं है तुम्हारे अंदर, ये तो तय है। तो एक काम तो करना पड़ेगा, कोई सा भी थोड़ी वाला कर लो। नहीं हम पलक नीचे वाला करेंगे। चक्करो जो मन में आए करो। हाँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपके बीच आए हैं आपको बर्बाद करने। बहना नजरों से दूर ना रहना यहाँ। यहाँ। अरे बर्बाद नहीं, आबाद करने, आबाद। बाबा जी ये लिखाई उखाई ना हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा है आप पढ़िए, हम सुन सुन के ना रट लेंगे। हम पढ़ते हैं और तुम सुन सुन के रटना जरूर। नमस्कार हमारे प्यारे बहनों और भाइयों, हम आपके बीच में आपको आबाद करने के लिए आए हैं। एक मिनट आबाद करने का है, हम का उनका आबादी बढ़ाएंगे? अरे मोरे मैया, कभी कहते हो विधवा बन जाओ और कभी कहते हो उनकी अम्मा बन जाओ। बाबा जी कैसा पॉलिटिक्स है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमारी समझ में सब आ रहा है। का हो गई सब कुछ पब्लिसिटी, बन गई सरपंच तुम, सब काम हो गए। अरे छोड़ो जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। बाबा जी भाषण बाजी हमारे बस का नहीं। जानते हो हमारे गुरुजी ने हमसे क्या कहा था? का के बेटा जो काम बस में ना हो वो टैक्सी में कर लो। बाबा जी क्या कर रहे हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ प्रतिभा है तुम्हारे अंदर, कुछ हुनर। बाबा जी एक बात बताएं, अरे लोग कहते हैं कि हम ना विनोदी बहुत जोर नाचती है, अरे इसी के कारण तो हमारे गांव में लोग जबरदस्ती शादी करवाते थे। हाँ? ताकि वो हमारा नाच देख सके। एकदम छक्का,
आपको चोट तो नहीं लगी? आपको कहाँ लगी, बल्कि हमें तो साफ साफ दिखाई देने लगा एकदम। ये जो नाचने गाने वाला जो प्रचार है ना, इससे बड़ा हथियार कुछ नहीं है। विनोदी बहना। हाँ बाबा। जरा इधर तो आना, अब शुरू करेंगे हम थोड़ा नाच गाना। अरे तुम जो भी हो, हाँ जो भी हो, अरे तुम जो भी हो, वोट विनोदी को दो, वोट विनोदी को, न जाने कल ये मौका फिर हो ना हो, हो ना हो, वोट विनोदी को दो, वोट विनोदी को दो, अरे तुम जो भी हो वोट विनोदी को दो। और हमारा चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर, पर वाली मशीन। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना। बुआ जी और आपकी सेवा में एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर स्नेहा का, जो आपको बताएंगी सत्य की अदालत के बारे में। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत। मुन्ना, क्या एक बिन ब्याह पुरुष ये साबित कर सकता है कि उसका कौमारी सुरक्षित है? ऐसा कैसे संभव है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर एक कुंवारी लड़की से समाज ऐसी अपेक्षा क्यों रखता है? वो कैसे साबित करे? कैसे साबित करे, कैसे साबित करें? आओ देखते हैं सत्य की अदालत। सत्य की अदालत। बैठिए वकील साहब, थोड़ा जल्दी प्लीज। हाँ योर ऑनर, मेरे मुवक्किल दिनेश कुमार, इनका दावा है कि पूरी बिरादरी के सामने मंगनी करने के बाद भी उनकी मंगेतर मिस रोशनी उनसे शादी करने से इनकार कर रही है। योर ऑनर, इनकार नहीं, लेकिन मेरी भी वही शर्त है जो इनकी है। कैसी शर्त? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल की बिरादरी में एक रस्म है जिसे निभाने से मिस रोशनी साफ इनकार कर रही है। वो रस्म क्या है? योर ऑनर, ये रस्म नहीं, ये सामाजिक रूप से महिलाओं पर किया जाने वाला अत्याचार है, अत्याचार। रस्म से बढ़कर ये एक स्त्री के चरित्र का नगीना है योर ऑनर, एक औरत की इज्जत और आबरू की निशानी है। आप रस्म के बारे में बताइए ना, आप मतलब यूं ही पहेलियां उलझाते रहेंगे तो फिर हम यहाँ मतलब। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल दिनेश कुमार चाहते हैं कि मिस रोशनी ये सबूत दें कि सुहागरात की रस्म अदा होने तक वो वर्जिन रहेंगी, यानी कि पेटी पैट। वर्जिन मतलब? हर सूरत हाल में कुंवारी रहेंगी। मिस रोशनी, क्या आपकी शादी हो चुकी? नहीं योर ऑनर। देरी हुआ? केस क्या है? मतलब अगर कोई महिला जिनकी शादी नहीं हुई अनमैरिड है तो उन्हें तो कुंवारी कहा जाएगा ना? योर ऑनर, लगता है आप बात की बारीकी को समझ नहीं पा रहे। देखिए, वर्जिनिटी का एक मतलब अक्षत योनि भी है, यानी कि वो औरत जिसने अभी तक वो अनुभव नहीं किया है, वो तजुर्बा नहीं लिया है, वो एक्सपीरियंस। और जरा खुल के बताइए ना, मतलब वो अनुभव और कौन सा एक्सपीरियंस जरा प्लीज। योर ऑनर, यौन का राइट वकील साहब? हाँ, यही। तो हम चाहते हैं कि मिस रोशनी ये सबूत दे कि वो वर्जिन है। और हम ये चाहते हैं योर ऑनर कि मिस्टर दिनेश कुमार और रोशनी पर एक सा कानून लागू हो। वी डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। तो इक्वल ट्रीटमेंट की गारंटी तो भारत का संविधान देता है। हम भी वही सबूत चाहते हैं कि मिस्टर दिनेश वर्जिन है। जिस बात की डिमांड, जिसकी मांग वो इतने हक से रख रहे हैं, वो हक तो रोशनी को भी मिलना चाहिए। लेकिन जज साहब, वो स्त्री है, हम पुरुष हैं, अब ये इक्वल ट्रीटमेंट कैसे संभव है आप बताइए। योर ऑनर, अगर इनकी बात मान ली तो समाज की बुनियाद नेस्त नाबूद हो जाएगी, दुनिया हिल जाएगी, देश हिल जाएगा। और योर ऑनर, अगर इनकी बात मान ली गई तो हमारी देश की महिलाओं को जो इतने सालों से बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है, जंजीरों में बांध कर रखा गया है, वो और मजबूत हो जाएंगी, उनकी उनके अधिकारों का गला घुट जाएगा। योर ऑनर, कानून और अदालत जज्बातों से नहीं बल्कि गवाह और सबूतों पर चलते हैं। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। इसीलिए मैं अपने पहले गवाह डॉक्टर शेखर को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, लेकिन थोड़ा फास्ट प्लीज।
डॉक्टर साहब, ये वर्जिनिटी यानी अक्षत योनि क्या है, ये आप जरा अदालत को बताने की कृपा करेंगे प्लीज। औरतों की योनि में एक मेम्ब्रेन यानी स्किन का पर्दा सा होता है। जब कोई औरत पहली बार यौन संबंध यानी केस का अनुभव करती है तो ये पर्दा फट जाता है। सब कुछ खून भी बह सकता है, लेकिन कुछ समाजों में सुहागरात पर इस हाइमन का रप्चर होना यानी फटना इस बात का सबूत माना जाता है कि लड़की वर्जिन थी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने कहा कि ज्यादातर पहली बार का अनुभव करने पर ये पर्दा फट जाता है, इस ज्यादातर का मतलब बताएंगे आप? बताना मतलब यूजुअली। डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि ज्यादातर महिलाएं जो काम करती हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं, खेलकूद में भाग लेती हैं, या कोई वजनदार काम करती हैं जैसे कि खेती में वजन उठाना, क्या तब भी ये पर्दा फटने के चांसेस होते हैं? जी हाँ, अक्सर हो जाता है। आपका ये अक्सर आपके ज्यादातर से कम है या बढ़कर? अब ये बात तो औरत औरत पर डिपेंड करती है। जैसा अगर कोई औरत खेत में काम करती है, स्पोर्ट्स या शारीरिक व्यायाम जैसी क्रिया में हिस्सा लेती है, या फिर वो बोझ उठाती है, तो अक्सर आसानी से ज्यादातर हो जाएगा। ऑब्जेक्शन। हमारी पारंपरिक कथाएं कहती हैं। ओवरऑल परंपरा को ना गवाहों का दर्जा दिया गया है और ना ही सबूतों का। थैंक यू जैसा। हाँ तो डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि क्या सुहागरात के दिन पहली बार यौन संबंध स्थापित करने पर यदि महिला के शरीर से खून ना बहे, जिसे कहते हैं, उसके बावजूद खून ना बहे, तो क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो वर्जिन नहीं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खून नहीं बहने के कुछ और कारण भी हैं, जो मैं आपको अभी अदालत में बता चुका हूँ। जैसा फिर तो बात ही नहीं बनती। इस केस के दूसरे पहलू पर गौर किया जाए। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या दिनेश कुमार जी ये सिद्ध कर सकते हैं कि वो वर्जिन नहीं है या वर्जिन है? Not at all. कतई नहीं। ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे? डॉक्टर साहब, कमाल की बात कर रहे हैं आप। जज साहब, मैं जबान दे सकता हूँ कि मैं वर्जिन हूँ। Fine to be noted, my lord. एक मर्द की केवल जबान ही काफी है उसके चरित्र को साबित करने के लिए, लेकिन जब एक महिला की बात आती है, एक महिला यही बात करती है, तो उससे हजारों तरह के सवाल दागे जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। ये तो इंसानियत और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से नाइंसाफी है, जेंडर इनजस्टिस। हाँ तो दिनेश जी, आप इन सारी चीजों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मतलब हमारा कहना यह है कि जो सबूत आप खुद नहीं दे सकते, तो आप दूसरों से वही सबूत मांगने का क्या हक रखते हैं? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अब क्या हुआ मिलॉर्ड? आप जो भी कहें, मर्द अलग हैं, औरतें अलग हैं। बिल्कुल नहीं, कानून के हिसाब से दोनों बराबर हैं। योर ऑनर, कुदरत ने मर्द को बना है ही ऐसा है कि पता ही नहीं चलता नॉन वर्जिन कि वर्जिन, पेटी पैक कि नॉन पेटी पैक। आप प्लीज अपनी बकवास बंद करेंगे। योर ऑनर, यहाँ इस मुद्दे की जड़ ये है कि मर्द करे तो सब ठीक, लेकिन महिला करे तो पाप। दोषी कोई भी हो ऑनर, लेकिन शक और सवालों की सुई हमेशा औरत पर उठती है। क्यों? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज, इजाजत है। जज साहब, हर मियां बीवी के बीच की सौतन होती है शक, और आज यहाँ अदालत ने मेरी आंखें खोल दी। जज साहब, मैं किसी के अतीत या किसी शरीर के हिस्से से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि एक जीती जागती औरत से शादी करना चाहता हूं, और वो औरत है रोशनी। अगर रोशनी को कोई एतराज ना हो तो। मुझे मंजूर है योना, एक पत्नी इससे ज्यादा और क्या मांग सकती है कि उसके पति और उसके बीच कोई तीसरा ना हो। आप दोनों की राय से बिल्कुल सहमत हैं। वैसे आपको अगर कुछ कहना है तो? नहीं योर ऑनर, बस इतना ही कि आज इस उम्र में ही सही मैंने एक सबक सीखा है, और मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत था। ये वर्जिनिटी टेस्ट गलत है। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी।
केस डिसमिस। एक मिनट जज साहब। अब क्या हुआ? एक सेल्फी ले लें। अभी चलो। सत्य की अदालत में हमने देखा समाज का एक दोगलापन जिसे मिटाना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है कि अगर एक बिन ब्याह पुरुष ये कहे कि वो कौमार्य है तो भी उसकी बात समाज मान लेता है, मगर एक कुंवारी लड़की को अपने कुंवारेपन का सबूत देना पड़ता है। किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा पुरुषों पर लागू क्यों नहीं होती? इस पुरानी नुकसानदायी सोच को जितनी जल्दी इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया जाए उतना बेहतर होगा। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। Thank you.